आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मंकी पॉक्स पर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। 5 आइसोलेशन बेड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच की जाएगी। आपको बता दें, मंकी पॉक्स को लेकर के WHO ने भी अलर्ट रहने के लिए सभी को कहा है। आपको बता दें, कोरोना के बाद ये एक घातक बीमारी हो सकता है। बताते चले आपको, WHO के द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया और ऐसे में झारखंड में अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। 5 आइसोलेशन बेड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि आस पड़ोस के देशों में भी ये धीरे धीरे करके फैलने लगा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी ये बीमारी फैलने की खबर सामने आई और ऐसे में अब बता दें, भारत में भी इसको लेकर के सतर्कता बरती जा रही है। मंकी पॉक्स पर झारखंड प्रशासन, झारखंड सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। 5 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की गई है। बता दें आपको, विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की जांच की जाएगी। सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। आज बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का 5वां चरण है। शेखपुरा में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराए जाने को लेकर के रात भर होटल और लॉज की तलाशी ली गई। इस दौरान अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखा गया। साथ ही होटल के रजिस्टर की भी जांच की जा रही है। इसमें अभी तक कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है। आपको ये बता दें कि जिले में सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्र में परीक्षा के लिए CCTV और जैमर लगाए गए। 7 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा होगी और परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू है। 4-5 होटलों में जांच कर लिया गया है। कुछ संदिग्ध सर? नहीं, अभी तो पर्चे नहीं मिले हैं, ऐसा कोई संदिग्ध नहीं मिला है। छापेमारी की जा रही है। सभी का एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है? सभी का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड सब चेक किया जा रहा है। बच्चे विद्यार्थी हैं, सबके बारे में सत्यापन किया जा रहा है। रांची से एक बड़ी खबर आपको बताते चले, LJP RV की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी आज। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। चिराग पासवान LJP RV के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। इस बैठक में देश भर के 85 डेलीगेट्स शामिल होने वाले हैं। तो आपको बताते चले कि लोजपा रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होने वाली है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे और इस बैठक में देश भर के 85 डेलीगेट्स शामिल होने जाएंगे। आपको बताते चले, ये बड़ी खबर रांची से मिल रही है। चिराग बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोजपा रामविलास से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बैठक में 85 डेलीगेट्स मौजूद रहने वाले हैं। ऑटो को पटना